बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स का साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी के दीगर फील्ड्स में बहुत वसीय इस्तेमाल है, खुसूसन मेडिकल फील्ड्स में, यानी मेडिकल साइंसेज में डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स मुख्तलिफ किस्म के अमराज की तशखीस के लिए और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ आइसोटोप में बात करेंगे रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं उनमें फ़र्क है। अगर स्किन का कैंसर हो तो स्किन के कैंसर के लिए फास्फोरस 32 या स्ट्रोंचियम 90 के आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। स्किन के कैंसर के लिए ये आइसोटोप्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनमें जो रेडिएशन होती हैं वो बीटा रेडिएशन होती हैं और ये रेडिएशन बहुत वीक होती हैं। तो वीक का मतलब ये है कि इनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। तो स्किन चूँकि आउटर लेयर होती है बॉडी की, तो इसकी पेनेट्रेटिंग पावर के हिसाब से ये बेहतरीन आइसोटोप्स हैं स्किन के कैंसर के इलाज के लिए। अगर कैंसर बॉडी के अंदर हो तो उसके लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू, आइसोटोप यूज़ होते हैं ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। तो मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए, पता लगाने के लिए कि बीमारी कहाँ पे है, क्या मसला है, उसके लिए भी आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। सो आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के लिए इस्तेमाल होता है। गले में जो ग्लैंड है उनको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने मुतलका साइज से बढ़ जाता है, इसका साइज बढ़ता जाता है और ये एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसको गोइटर यानी गिलहड़ कहते हैं। उसके लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है इसको ट्रेस करने के लिए। इसके अलावा टेक्टिनियम इस्तेमाल होता है बोन ग्रोथ्स को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल यूजेज। जियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल यूजेज में भी आइसोटोप्स का बहुत इस्तेमाल है। यहाँ पे आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ के फॉसिल्स के एज को एस्टिमेट करने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि जो चीज़ हज़ारों साल पहले मर गई, दफन हो गई है, या कोई प्लांट्स हो सकते हैं वो, या एनिमल्स हो सकते हैं, या किसी भी किस्म के पत्थर हो सकते हैं, तो आइसोटोप्स के ज़रिए इनकी एज का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब एज को डिटरमिन करने के लिए एक हाफ लाइफ की टेक्निक भी यूज़ की जाती है। हाफ लाइफ में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ की एक लिमिट है, उसके बाद उसने ख़त्म हो जाना है, तो हाफ लाइफ में मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एज के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो चीज़ है ये कितना अरसा पहले दफन हो गई है या ख़त्म हो गई है। इसी तरह कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है। कार्बन डेटिंग से मुराद भी यही है कि इसमें मेन एक रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 इसी तरह, यानी कि जिस तरह हाफ लाइफ है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ को चेक किया जाता है। इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स, 5730 साल एक कार्बन 14 की हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब है कि इतने अरसे बाद, फर्ज करें अगर कार्बन 14 किसी जगह 1 ग्राम मौजूद है तो 5730 साल बाद वो 1 ग्राम जो है वो आधा रह जाएगा, यानी 0.5 ग्राम वो रह जाएगा। फिर मजीद 5730 साल बाद वो आधे का भी आधा हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है हाफ लाइफ की जिसके ज़रिए हज़ारों साल पहले मरी हुई चीज़ों को, उनकी एज को डिटरमिन किया जाता है, उसका एस्टिमेट निकाला जाता है। इसके अलावा आइसोटोप का यूज़ होता है पावर जनरेशन में भी। पावर जनरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। वो इस तरह यूज़ किया जाता है कि आइसोटोप को फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर।
यानी यूरेनियम 235 को जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट की जाती है तो यूरेनियम जो है वो फिशन रिएक्शन के जरिए असर ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक बेरियम निकलता है, बेरियम 139 और एक क्रिप्टॉन 94। इसके अलावा तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और न्यूट्रॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलकर इनको बॉयलर में शिफ्ट किया जाता है। बॉयलर के अंदर पानी होता है, ये पानी को इतना बॉयल कर देते हैं कि वो स्टीम बन जाता है और वो स्टीम जो है वो लाइंस के जरिए आगे जाके आगे टरबाइन लगे होते हैं, उन स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं और टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कि हमारे इस्तेमाल के काम आती है। तो ये एक साफ सुथरा इस्तेमाल है पावर जनरेशन के लिए आइसोटोप्स का। तो इसके जरिए माहौल भी आलूदा नहीं होता और एक साफ सुथरी चीज हासिल हो जाती है। तो ये था आइसोटोप्स के यूजेस के बारे में एक टॉपिक। इस टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।